नाली बेड, नाली बेड, नाली बेड। एक को नाली बनाई एक छोड़ दिया, एक को नाली बनाई एक छोड़ दिया। ये जो ऊपर की लाइन है ये 100 गलत है, होना ये चाहिए। हम पांच पांच फीट पे नाली बना रहे हैं और ऊपर पौधा लगा रहे हैं, तो नाली आपको 10-10 पे बनाना है। ड्रिप वही है पांच फीट पे, ड्रिप को कुछ चेंज नहीं किया है, ड्रिप जहां है वहीं पर है। हम पांच पे नाली बना रहे हैं, उसकी बजाय एक नाली बनाई एक छोड़ दिया, फिर अगले में नाली बनी, तीसरे टप्पे पे नाली बनाना है। समझ में आया? तो ये जो नाली बनी है तो ये अपने आप बेड दिखता है, मैंने बेड बनाया नहीं। जमीन बराबर है, रोटावेटर करके पौधे लगाने के लिए तैयार है, जमीन बराबर है। तो हम जो पांच पांच पे नाली बना रहे हैं उसकी बजाय एक नाली बनाओ फिर छोड़ दो, फिर एक नाली बनाओ फिर छोड़ दो, तो 10 पे नाली बन गई, तो बेड ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अभी ये पांच पांच पे ड्रिप है और नाली की गहराई 10-10 पे है ना। अब दूसरी तरफ होना चाहिए 7 फीट। कैसा लगा रहा हूं ये भी देख लेना, झिकझेक। एक पौधे से दूसरा पौधा आमने सामने नहीं है, क्रॉसिंग में, झिकझेक बोलते हैं इसको, जेड आकार में हम लगा रहे हैं चौकड़ी, ऐसा नहीं लगाना है। दो पौधों के सामने पौधा नहीं है, तिरछा पौधा है, इसको बोलते हैं ज़िगज़ैग, ज़ेड आकार। इधर देख रहे हैं, ये लगाया तो फायदा क्या, और ये दूरी बढ़ा दी मैंने 7 फीट कर दी, और ये लाइन से लाइन 5 फीट, तो क्या हुआ 5/7 स्क्वायर फीट, 35 एकड़ में पौधे आएंगे 1250 इस ग्राफ में, इस ग्राफ में आपके पौधे आते हैं 1750 है ना। ये थोड़े से और बढ़ेंगे, मेड़ पे पौधा अलग लगाना है, मेड़ पे कैसा करना है, ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री पे 3.5 पे लगाना है। ये जो पहली लाइन है, ये जो ऊपर की लाइन है, यहां पर 2.5 फीट पे लगाना है। इधर 5 है तो 2.5 पे, इधर 7 है तो 3.5 पे, इधर फिर 2.5 पे। जिधर 5 है उधर 2.5, जिधर 7 है उधर 3.5। तो ये हमने बाउंड्री से पूरा पैक कर दिया है कि खेत के अंदर गर्म हवा ठंडी हवा बहना बंद हो। केले की ही बाउंड्री कर दी हमने कि खेत के अंदर अप्रैल और मई में जब गर्म लू चले तो खेत के अंदर न जाए। ठंडी रात को जनवरी के पहले सप्ताह में अगर 3 बजे रात को ठंडी हवा चल रही है तो खेत के अंदर न जाए, उसके लिए बाउंड्री बनाती है। अब खेत के अंदर का वातावरण अगर किसी भी एक पौधे को पकड़ोगे बीच में, तो इस पौधे से इस पौधे की दूरी 7 फीट है। अगर ये बेडशीट इतना पत्ता निकालेगा तो यहां तक जाएगा। इस पौधे के सामने यहां 5 है लेकिन यहां 10 है, तो ये पत्ता यहां तक आएगा, ये पत्ता यहां तक आएगा, ये पत्ता यहां तक आएगा। ओवरलैपिंग नहीं होगा, ऐसा ऊपर नहीं चढ़ेगा, ऐसा साइड में जाएगा। इसका पत्ता इधर गया, इसका पत्ता इधर आया, तो आकर टच हो रहा है, क्योंकि ये पौधे का पत्ता यहां है और इसका पत्ता यहां है। ये ऊपर जाने की बजाय साइड में जा रहा है, झिकझेक हो गया ना, ऊपर नहीं जा रहा है साइड में जा रहा है। पत्ता जितना निकलेगा पूरे सिस्टम में सराउंड निकलेगा, एक के ऊपर एक ऐसा नहीं निकलेगा, ऐसा सराउंड निकलेगा। ऐसे पंखे की पंखुड़ियां है ना, क्योंकि उसको धूप प्रॉपर मिल रही है, पूरा ओरा मिल रहा है उसको, पूरा खुला माहौल है, तो पत्ता सराउंड निकलता है। दूसरा फायदा क्या आएगा इसका, अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो इसको नापेंगे, अगर ये जो पौधा है ये 7, ये 5 नहीं है तो यहां 10 पे आ गया,
ये पांच पे आता अगर तिरछा किया तो साढ़े छह, मतलब इस पौधे से सराउंड अगर मैं देखूं तो सारे पौधे कितनी दूर है, साढ़े छह फीट के ऊपर। इस पौधे को अगर मैं ऊपर से देखता हूं छत पे से तो ये ऐसा सराउंड में दिखेगा। अब मैं इधर से देखता हूं तो यहां से बागड़ है साढ़े तीन पे, और दो पौधों के बीच में फिर पौधा आ गया, तो ये कितना हुआ साढ़े तीन। तो गर्म हवा साइड से जाएगी तो अंदर घुस नहीं पाएगी। अभी यहां से देखो तो पांच है, तो गर्म हवा ठंडी हवा के लिए मैंने ढाई पे कर दिया है। दूसरा, इसका पत्ता इधर आया, इसका पत्ता इधर गया, पांच में पूरा ओवरलैपिंग नहीं हुआ, साइड से निकल गया। तो गर्म हवा ठंडी हवा दोनों दिशा से घुस नहीं पाएगी। इसमें उत्तर दक्षिण लगाओ या पूरा पश्चिम लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर भी लगा लो, है ना। जैसे हम कहते हैं यार मेरा उत्तर दक्षिण है तो क्या करूं पूरब, उसका कुछ मायना नहीं है। सूर्य लाखों किलोमीटर दूर है, वो ऊपर से रोशनी भेज देगा, हमें केवल हवाओं का बहाव रोकना पड़ेगा। तो जो पश्चिम से हवा चलती है तो हमने पश्चिम तरफ भी बागड़ कर दी और उत्तर तरफ भी बागड़ कर दी, पूर्व तरफ भी बागड़ कर दी, पूरा पास पास में कर दिया। हमको तो हवा अंदर ही नहीं घुसाना है, बात ही खत्म। केले में हवा की जरूरत अंदर खेत में नहीं, ऊपर से सूर्य की रोशनी की जरूरत है, ऊपर से हवा ऊपर नीचे होना चाहिए। तो इस ग्राफ के अलावा कोई सा ग्राफ ऐसा नहीं है जो महाराष्ट्र में सक्सेस हो। सैकड़ों ट्रायल मैंने किए हैं, आखिरी में मैं इस पे आके रुका हूं। अगर आप इसे एडॉप्ट करोगे तो बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। इसमें जो पौधे की संख्या है 5x7 में 1250 पौधे खेत के अंदर आएंगे, और ये बाउंड्री पे डबल लगाए हैं तो 180 पौधे बाउंड्री पे आएंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1430 पौधे आपके एकड़ पे आएंगे इस विधि में। तो ये अच्छी संख्या है, ये कम नहीं। ओवरऑल हमें समझना क्या चाहिए कि 5x5 पे मैंने जो लगाया उसका एक एकड़ का कितना उत्पादन है, और 5x7 में 1430 पौधे लगाए तो एक एकड़ की काटा पर्ची क्या बोल रही है, कितना उत्पादन है। क्योंकि जो काटा पर्ची बोलेगी उसी से पैसा आएगा, है ना। जो 5x5 के ग्राफ अभी देखे हैं उसमें एक का तने का मोटा 36 इंच का है, दूसरे का तना 30 इंच का है, तीसरे का तना 28 का है, फिर चौथा वापा 36 इंच का है। जो पास पास में पौधे रहते हैं उसमें चलने में होड़ पड़ी रहती है, भागते हैं वो, क्योंकि पत्ता तो एक दूसरे में घुसता नहीं है। उधर एक चार महीने के बाद में पत्ता ऊपर चढ़ना चालू हो जाता है पांचवे महीने में, तो फिर उनकी भागने की होड़ लगती है, तो उनकी हाइट बढ़ती है, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं वो। जो पास में फसलें हैं वो जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको धूप लेना है, उनके पत्ते ऐसे रहते हैं। और जो ऐसा सराउंड ग्राफ है उनका पत्ता ऐसा रहेगा, ऐसा तन के चलेगा, ऐसा पौधे को देखना ऐसा दिखता है, मैं उसको समझता हूँ कैसा दिखता है। जो पास पास में वो ऐसा भगता है और जो चौड़ा पत्ता ऐसा आराम से राजा चाल चलता है। तो उसका जब आप देखोगे इसका पौधा खेत में कैसे दिखेगा, उसमें बेनिफिट क्या क्या आएंगे, साधारण आंखों से दिखता है। आज तो भैया ने टेप से नाप के दिखाया, तो मैंने कहा आपकी आंखों से भी देख लो। 5x5 में टेप से नापा तो एक पौधा 36 इंच तने की मोटाई, दूसरा 30 इंच, तीसरा 28, फिर चौथा वापस 32, वेरिएशन है, होड़ पड़ी ना भागने की। तो जिसको ज्यादा धूप मिल गई वो मोटा हो गया, जिसके पत्तों को कम धूप मिली है जो अंदर सिकुड़ के तो वो लंबा लंबा चल रहा है, उसका तने का विकास नहीं हुआ, हाइट का विकास हो गया। इस वेरिएशन में क्या आएगा, हल्का भारी बंच निकल गया है, 5x7 का पौधा ऐसा बनेगा और 5x5 का पौधा ऐसा बनेगा। इसके गिरने के 90% चांस है, इसके बचने के 90% चांस है। नीचे से ऐसा है ना तने का विकास, ऐसा रुक के आराम से सारे पत्तों पर भोजन लेकर के नॉर्मल हाइट में रहेगा। इसमें अगर आपका सही फर्टिलाइजेशन है तो 8 फीट का बांस लगाओगे वो टेढ़ा लगेगा जब बंच निकलेगा, और हम उसमें जो लकड़ी लगाएंगे तो नीचे पेंदे से वहां तक की 8 फीट की लकड़ी टेढ़ी होगी, 7 फीट का सीधा होगा। मतलब जो बंच निकलेगा उसकी मिट्टी से वहां तक की हाइट 7 फीट की रहेगी लगभग, इसमें 8 फीट या 9 फीट का सीधा लगेगा।
अभी आप पंच लगाओगे क्योंकि हाइट ज्यादा है, तो हाइट ज्यादा है तो आंधी तूफान में गिर पड़ेगी संभावनाएं बढ़ गई। छोटी छोटी बातें हैं, नुकसान को हम बढ़ा रहे हैं। इसमें बांस की आवश्यकता ही नहीं है, 30 किलो तक तो कोई लगाओ ही मत, ये खुद ही अपने आप को पकड़ के चलेगा। प्रकृति का नियम है, वो जितना निकालता है उसके हिसाब से खुद व्यवस्था करके चलता है, लेकिन उसके हिसाब से उसको क्लाइमेट कंट्रोल, हमें धूप प्रोटेक्ट कराना पड़ेगी, तो कंडीशन अप्लाई, उसके मुताबिक हम उसको धूप और पूरा ओरा देंगे, वातावरण देंगे, तो ऐसा मोटा चलेगा। इसमें जो बंच आएगा उसके डंडे की मोटाई, अगर आप ऐसे डंडे को पकड़ोगे तो हाथ पकड़ में नहीं आएगा, वो मोटा डंडा आएगा। इसमें आप आराम से ऐसा पकड़ लोगे, डंडा पतला आएगा। इसमें जो डंडा आएगा फल का, वो पीला हरा कलर का आएगा। 5x7 में जो डंडा आएगा वो एकदम हरा और पीला कलर, कलर में फर्क आएगा, देखने जाओगे तो ये हरा पीला कलर ये मैच्योरिटी का है, ये पीला हरा कलर है ये बचपना है। धूप नहीं मिली, तना हार्डन नहीं हुआ, गर्माहट वहां पर नहीं गई तने पर, 5x7 में पूरे पौधे को सभी दूर से थोड़ी थोड़ी रोशनी मिल रही है, तने को भी और पत्तों को भी, लाइट है खेत के अंदर, और 5x5 में अंधेरा है, जैसे अभी हमने खेत में वाच किया अंधेरा है, तो पौधा पतला है, पंगू है, बचपना है, उसमें हार्डनिंग नहीं आया, कड़कपन नहीं आया, मैच्योरिटी नहीं आई, तो उसका जो पंच आएगा पीला हरा कलर का आएगा। पीली झाई ज्यादा रहेगी, हरी लाइट कम रहेगी उसके पंच में। तो ये जो पीला हरा कलर वाला है, जब आप माल काट करके बेचोगे तो वो उसको ट्रेवलिंग करने में 10 से 12 दिन लगते हैं। आज माल कटा, 2 दिन में चेंबर पे गया, 3 दिन में चेंबर में पका, 4th-5th दिन वो बाहर निकला, 6th दिन 7th दिन ठेले वाले को दिया, 8th-9th दिन उसने बेचा मार्केट में ठेले वाले ने। तो जिस दिन हमारे खेत से कटा और 9th दिन जो बिकने गया, इसके बीच में अगर अनमेच्योर्ड बंच है तो उसकी ट्रेवलिंग करने की क्षमता कम है। ये लिंकिंग हमारा पैसा कैसे बनेगा उससे। 5x5 में हर वो व्यापारी आपसे जुड़ा है वो दुखी है। अब उस व्यापारी को भी नहीं पता है कि आपको गाइड क्या दे, उसको ये पता है कि आपके यहां का जो माल काट रहा हूं वो लंबी दूर नहीं जा रहा है, उत्तर भारत में भेजूंगा तो जल्दी पक जाएगा। उत्तर भारत यहां से 3 दिन की ट्रेवलिंग, दिल्ली आजादपुर मंडी भेजोगे 3rd दिन पहुंचेगा, फिर 3 दिन पकने में, 4 दिन 7 दिन फिर दिल्ली किसी ठेले वाले को दिया तो 2 से 3 दिन बेचने में, अगर त्योहार है तो 2 दिन में बिक जाएगा, रमजान श्रावण दशहरा दिवाली है तो 2 दिन में बिक जाएगा, अगर त्योहार नहीं है तो 3 से 4 दिन लगेंगे वो ठेले पे से 100 दर्जन केला बिकने में, और जब ठेला मार्केट में वो रेडी वाला लेके जाता है तो ठेला हिलता है, ऐसे हिलते हिलते जाता है, कहीं टेपर आता है तो कूदता है, तो वो केला रगड़ करता है, एक दूसरे के ऊपर पंजे रखे हुए हैं, वो केला रगड़ करता है, रगड़ करता है तो यहां पर कालापन आता है। आपके खेत से गाड़ी लोड करके दिल्ली गई 1200 किलोमीटर तो गाड़ी भी ऐसे रगड़, केला अंदर रगड़ करता है, टेपर भी आता है ना, तो वो रगड़ करता है, ये जहां जहां रगड़ है वहां काला कितना हुआ, छिलका कमजोर होगा तो ज्यादा काला होगा, छिलका अच्छा होगा तो हरा काला होगा, काला नहीं होगा हरा काला रहेगा। अभी जो महानगर है वहां पर सीमेंट के जंगल है, हमारे यहां बाहर निकलेंगे तो मिट्टी मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन दिल्ली चंडीगढ़ यहां पर बिल्डिंग ही बिल्डिंग, सीमेंट के जंगल। अभी वहां जाओ दोपहर में एकदम कड़क गर्म लगेगा, तो अप्रैल मई में तो बहुत ज्यादा गर्म लगेगा, 50 डिग्री टेम्परेचर आपको रोड पे मिलेगा, नीचे डांबर, आइट साइड सीमेंट की दीवार है, मॉइस्चर वाली जगह ही नहीं कुछ है, तो वहां का जो वातावरण है वो सूखा कड़क। उस सूखे कड़क वातावरण में 1 तारीख को मेरा केला कट गया और 9 तारीख को उस ठेले पे रखा हुआ है वो केला, तो वहां से पानी शंक हो रहा है, उड़ रहा है। लिंकिंग हो रहा है आप लोगों को, मैं कहां लेकर जा रहा हूं आपके दिमाग को, उस ठेले के ऊपर अगर हम देखेंगे 9 दिन के बाद कड़क वातावरण में रगड़ किया हुआ, वो व्यापारी ठेले वाला क्या करेगा, गीला कपड़ा रखेगा उसके ऊपर,
कि ये जल्दी डल नहीं हो, नहीं तो बिकेगा नहीं, गुलमाए नहीं, कमजोर नहीं हो, पानी तो उड़ ही रहा है। तो गीला कपड़ा रखने से जहां रगड़ करी है वहां हल्की हल्की सफेद फंगस आएगी, फूक आएगी। आप लोगों ने यहां भी ठेले पे देखा होगा जहां ज्यादा काला है, सफेद सफेद रोमन आ जाता है। वो रोमन ना आए, वो कालापन ना आए, हमारा केला 10-15 दिन चले, लंबा चले, तो उस पौधे में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए, तो वो फल मैच्योरिटी वाला देगा। उसके छिलके में पोटास रहेगा, एनपीके रहेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहेगा, वो ज्यादा नहीं सरवाइव कर पाएगा। मैं अभी आपको केवल डोमेस्टिक की बात बता रहा हूं, लोकल में अगर बेचना हो तो आज मेरे खेत से कटा तो 9-10 दिन तो खाने वाले की टेबल में जाने में समय लगता है, लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूंगा तो 35 दिन लगता है। अगर मैं कहूं कि मुझे अमरावती से आपके परतवाड़ा से एक्सपोर्ट करना है 2 कंटेनर, तो कर ही नहीं सकता मैं। इसलिए अच्छा व्यापारी आपके क्षेत्र में नहीं है। शुरुआत कहां से होगी, जेब भरना है तो खेत का ग्राफ बदलना पड़ेगा, लगाने की दूरी में चेंज लाना पड़ेगा। वो केला जो लंबी दूर चलेगा, जो ठेले वाले की पसंद है, उसके ठेले पे वेस्टेज ना निकाले, तो वो चेंबर वाले को बोलेगा भैया ये गाड़ी कहां से है, मुझे माल चाहिए। चेंबर वाले आपके व्यापारी को बोलेगा कि भैया ये पाटिल साहब क्या है कि गाड़ी जो थी वो रिपीट, हमें माल चाहिए, इसके केले में कलर क्वालिटी है, ये ठेले वाले वापस ये माल मांग रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में डिमांड ऑटोमेटिक फोन आएगा ना, जिसको 2 पैसा बचा वो फोन करेगा। अगर आपका जो माल गया वो ठेले वाले के यहाँ 20% खराब हो गया, जैसे केला टूट के झड़ जाता है जब ज्यादा पक जाता है, फंगस आ जाती है तो बिकता नहीं, वो फिर काला पड़ के फेंकना पड़ता है। एक ठेले पे 100 दर्जन और 20 दर्जन नहीं बिकी, टूट गई, झड़ गई, खराब हो गई, तो ठेले वाले की आत्मा चल जाएगी। वो वहां जाके इंक्वायरी करता है चेंबर में कि भैया ये माल कहां से आया, परतवाड़ा से आया, 1744 गाड़ी 1 तारीख की, तो भैया परतवाड़ा का माल मुझे अब मत देना, मेरा पैसा नहीं बन रहा है, मैं तेरे को पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं सक्षम नहीं हूं। तो वो जो दिल्ली चंडीगढ़ में चेंबर वाला है वो यहां जिसने गाड़ी बनाई उसको बोलेगा भैया माल कहां का था 1 तारीख का, उसने बोला पाटिल साहब के खेत का, उसका बगीचा हमें नहीं चाहिए, एक ही शब्द निकालेगा, अगली गाड़ी उसके बगीचे से नहीं चाहिए, मेरा पैसा नहीं बन रहा है, मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा। कच्चे माल में यही बात होती, इसके अलावा कोई बात नहीं होती, पैसा दूंगा नहीं और देते भी नहीं, उसका पैसा बन नहीं रहा है तो इसका पैसा कैसे देगा। अब ये जो आपके यहाँ लोडिंग किया ये तो मजबूर है, इसके बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, घर बार है यहाँ पर, इसको तो आपका पैसा देना ही है, तो ये धीरे से आपसे दूर हो जाएगा। 1 तारीख को माल कटा, 12 तारीख को कटिंग आ रही है, उसके पास 9 तारीख को मैसेज आ गया भैया पाटिल साहब का माल नहीं लेना है, माल में फंगस ज्यादा है, लंबी चाल का नहीं है, तो ये आपको फोन नहीं लगाएगा, आपका फोन जाएगा उस्मान भाई कटिंग वापस आ गई है, एक बार लड़के को भेज के देख लो। और उस्मान भाई ने बोला कि मैं मार्केट में हूँ बीवी बच्चे के साथ, आपको आधे घंटे बाद फोन करता हूँ, मतलब आपकी वक्त नहीं है, ये समझ जाओ, ये हिडन मैसेज है। अगला मना नहीं कर पा रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है। अगर वहां से पसंद आ गया कि आपका माल अच्छा है तो उस्मान भाई आपके फोन आने के पहले फोन करेगा, माल कटिंग आएगी 12 तारीख को, आपके पास फोन आ जाएगा 10 तारीख को, भैया मैं बगीचे में लड़के को भेज रहा हूं देखने के लिए, उसने बोला था 250-300 झाड़ कटिंग पे आ जाएंगे 10-12 दिन बाद, किसी को माल देना मत, मैं रेंट भर रहा हूं। मतलब आपका माल ओके है, पास है। जिस व्यापारी को आपने माल दिया अगर अगली कटिंग के पहले उसका फोन आ गया तो रेट आपका, अगर आपका फोन गया तो रेट उसका। लीगल तरीके का साइंस है ये, इसमें मैं कुछ जोड़ बाकी नहीं कर रहा हूं, कुछ यही होता है मार्केटिंग में। तो हमें मार्केटिंग सही करना है तो 5x7 के ग्राफ पे आना पड़ेगा। तो व्यापारी आपको फोन करेगा भैया मैं गाड़ी भेज रहा हूं माल काटना है, तो आप बोलोगे भैया पहले रेट बता, 10 रुपए नहीं मैं 10.5 में दूंगा, नहीं तो दूसरे को दूंगा। यहां से रेट बढ़ेगा आपके क्षेत्र का, अगर इस पर टच नहीं किया तो रेट जैसा चल रहा है वैसे रहेगा। तो ज्यादा पैसा चाहिए तो काम करना पड़ेगा 5x7 पे, है ना। अभी इसमें उत्पादन कितना आएगा, आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि यार पौधे कम हो जाएंगे तो उत्पादन कम आएगा, ऐसा चल रहा है क्या, पूछ भी लिया करो जो माइंड में चले। ऐसा नहीं होगा,
पांच बाय सात में 1744 पौधे, पांच बाय पांच में 1430 पौधे। मेरा ये मानना है कि एक ही हजार पौधा कटेगा, 430 पौधे किसी कारणवश छोटे बड़े रह जाएंगे, फंगस आ जाएगी, टूट जाएगा, कुत्ता खा जाएगा, गिर जाएगा। कम से कम यहां 25 किलो ला के दूंगा, जो 100 प्रैक्टिस करते हैं उसके यहां 35 किलो आता है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने 68 किलो 150 ग्राम का बंज भी लिया है इस ग्राफ में, मैं उसकी बात नहीं करता। 68 किलो पे हम जाएंगे दो साल में, थोड़ा सीख जाएंगे, फिर 25 किलो ला के देने की गारंटी मेरी है। 1000 पौधे कटेंगे, 25 किलो माल कटेगा, 25 टन का उत्पादन आएगा आपका एक एकड़ में। अभी तक आप जो 5 बाय 5 लगा रहे हो उसमें एकड़ का उत्पादन कितना आता है आपको पता है क्या? 25 से 30 टन इतना ही, तो लगभग उत्पादन हुआ सेम। मैंने यहां पर 430 पौधे बोनस के रख छोड़े हैं, ये कटेंगे तो ये उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन ये अक्कल खाते में है। ये उत्पादन आया और रेट आपका यहां 5 रुपए है और यहां पर 7 रुपए मिल गया तो फर्क आ जाएगा, डिमांड क्रिएट हो गई। तो इस टाइप का मार्केट रहेगा। आज जो आपके यहाँ पाठशाला हो रही है ये यूट्यूब पर जाएगी, पूरे सभी व्यापारी भी मुझे देखते हैं, उनको भी पता चलेगा कि परत वाला किसान पाठशाला आ गया है, ग्राफ ठीक होगा, डिमांड क्रिएट होगी। ये ग्राफ है, अगर यहाँ के व्यापारी से आप बात करो, भैया एक गाड़ी माल अच्छे व्यापारी को भेज के दे, फिर मेरा पैसा भरना, पैसा मत भर, रिस्क लेना चालू करो कंपनियों के जैसे, तो पैसा आना चालू होगा। जो आपके क्षेत्र में सबसे अच्छा व्यापारी है उससे मेरी भी बात करो, आप भी बात करो कि भैया मैंने 5x7 पे लगाया है, तेरे को जो जिस जगह माल भेजना हो पूरे हिंदुस्तान में, जो ज्यादा रेट देता हो, मेरा रेट मत कर, ये गाड़ी भेजे, वहां से क्या डिमांड आती है, कितना पैसा बनता है वो रेट भरना, उसमें 50 पैसे तेरे काट के रेट भरना। लोडिंग का तो आप पैसा लोगे ना, वो तो अगला देने ही वाला है लोडिंग का पैसा 7-8 हजार रुपए, तो उसमें 3000 बचेगा ही आपको, वो सब अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मेरा जो बिल बनेगा उसमें भी 50 पैसे आपने ज्यादा रखना तो वो आपकी गाड़ी भेजेगा, उसको उधर से भी मिल रहा है, आपने भी 50 पैसे का ऑफर दे दिया। ये मार्केटिंग की स्टाइल है, इस तरीके से जाओगे, मैनेजमेंट ढंग से करोगे तो पैसा बनाओगे। अब एक बार आपने अच्छे व्यापारी को गाड़ी भेज दी, उसके डांट में खून लगा दिया, अब वो शेर खाना ढूंढने के लिए आएगा। ये साइंस है अंकल, है ना। एक बार अच्छे माल की गाड़ी आपके क्षेत्र से चली गई, बस काम हो गया, वो मजबूर हो जाएगा कि मुझे ये माल और चाहिए, भैया किसके पास है। अब वो व्यापारी बोलेगा भैया गाड़ी पास हो गई, अपन और माल भेज सकते हैं, तो ठीक है भैया अगली गाड़ी रेट बता देना, मैं करवा दूंगा, इसमें कोई हमने गलती नहीं करी, कोई गाली नहीं बकी, भैया अगली गाड़ी का रेट बता देना, गाड़ी आप ही लेके जाओ, मैंने दी आपको इसीलिए कि आप अच्छे माल में बेचो, उसकी मजबूरी हो जाएगी। रेट बता देना आपने बोल दिया, मतलब आप कम नहीं बता सकता। आपको मार्केट रेट से 50 पैसा 1 रुपया ज्यादा ही देना है। लिंकिंग हो रहा है कहां पर है, ठीक है। तो ग्राफ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है काम और क्लाइमेट कंट्रोल का, तो हमें केवल लगाना है, अगर अच्छे व्यापारियों को बुलाना है, अच्छी जगह भेजना है तो 5x7। ये हो गया क्लाइमेट कंट्रोल और कार्बन मेंटेन करने का, और वाटर मैनेजमेंट जिससे 70% हमारा उत्पादन डिपेंड है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। मैंने आपको ऐसा ग्राफ बताया है ड्रिप डालने की विधि, यहां पर ड्रिप है, पौधा लगाने का तरीका और वाटर मैनेजमेंट कैसा करें। आप लोगों के पास जो ड्रिप है वो कितने लीटर डिस्चार्ज की है, वाटर मैनेजमेंट